को प्रमोट करने पर आज मुहर लग सकती है। कमेटी की ओर से तय फॉर्मूले पर आज मुहर लग सकती है। अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने पर सर्वसम्मति बन सकती है, उस पर सहमति बन गई है। एक सब्जेक्ट के सभी पेपर कराने के साथ ही सहमति बनी है। कोर्स कम करते हुए पेपर एक साथ कराने पर विचार। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर आज मुहर लग सकती है। कमेटी की ओर से तय फॉर्मूले पर आज मुहर लग सकती है। अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने पर सर्वसम्मति से सहमति बनी है। एक सब्जेक्ट के सभी पेपर एक साथ कराने पर ये सहमति बनी है। कोर्स कम करते हुए पेपर एक साथ कराने पर विचार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उच्च शिक्षा को लेकर। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, क्या अपडेट पूरी खबर पर? बिल्कुल, ये उच्च शिक्षा विभाग से सबसे बड़ी खबर है कि जो फार्मूला कमेटी द्वारा सौंपा गया है जी, उस कमेटी द्वारा सौंपे गए फार्मूले पर अंतिम सहमति बन चुकी है। आज इस फॉर्मूले को लागू कर दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं उनका आयोजन कराया जाएगा और सरकार की मंशा के अनुसार परीक्षार्थियों को ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर ना आना पड़े, इसके लिहाज से जो सब्जेक्ट पेपर हैं उनको एक साथ कराने पर विचार किया गया है। यानी कि पेपर वन और पेपर टू को एक साथ एक ही समय में आयोजित करवाया जाएगा। हालांकि समय को लेकर इसमें अभी तक थोड़ी सी पसोपेश लगी हुई है कि समय कितना दिया जाए। तो वहीं जिन विषयों के तीन पेपर हैं उन तीनों पेपरों को भी एक साथ करवाया जाएगा। दूसरी बात इसमें अहम यह है कि सेकेंड ईयर के जो इतने भी परीक्षार्थी हैं उन सबको प्रोविजनल प्रमोट किया जाएगा। दिसंबर तक यदि परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो दिसंबर से पहले उनकी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो वहीं फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। कुल मिला के यह है कि फाइनल ईयर का जो फॉर्मूला, उच्च शिक्षा का जो फॉर्मूला तैयार किया गया था उस पर अंतिम सहमति बन चुकी है और किसी भी वक्त इस फॉर्मूले को जारी कर दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद ललित तमाम जानकारी देने के लिए। तो उच्च शिक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम करने पर सहमति बन चुकी है। कश्मीरी नेताओं के साथ आज पीएम मोदी की बातचीत होनी है। दिल्ली में हो रही इस बैठक